जनपद हापुड़ के 9 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शुक्रवार की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी से लैस किया गया है। सुरक्षा जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश दिया गया। अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि जनपद हापुड़ में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस बल तैनात है और जाँच के बाद ही परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है। हापुड़ में 9 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा जो है आज संचालित हो रही है। सारी सेंटर्स पे हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। विधिवत चेकिंग फिक्सिंग करने के बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। समय से जो हमारे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएँ हैं इसको भेजा गया है और हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था है और जिसमें CO हमारे इंस्पेक्टर्स और थाना प्रभारी सब क्षेत्र में हैं। एडिशनल SP क्षेत्र में हम लोग सब लोग चेक कर रहे हैं इसको। सोशल मीडिया पे हम लोग की पैनी नज़र है। हमारी टीम जो है सक्रिय है और शेष हमारे अपने जो लोकल इनपुट्स हैं और जो मैनुअल इंटेलिजेंस है इसका भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हापुड़ के SSV इंटर कॉलेज, SSK इंटर कॉलेज, दीवान इंटर कॉलेज, RA कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, चौधरी ताराचंद जनता इंटर कॉलेज तकासराय, श्री जैन कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, पिलखवा के मारवाड़ इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज, श्री चंडी विद्यालय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। UP पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीख 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25, 30, 31 अगस्त है, जहां 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए हापुड़ को जोन में बांटा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा चल रही है। शुक्रवार को पहली पाली की परीक्षा के दौरान बुलंदशहर निवासी एक अभ्यर्थी देरी से पहुंचे, जिसे प्रवेश नहीं दिया गया।